हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है CSIR की तरफ से। अब CSIR के बारे में मैं क्या ही बताऊं, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से आप सभी लोगों के लिए नया रिक्रूटमेंट है। दो डेजिग्नेशन पर आपका रिक्रूटमेंट निकला है, JRF की पोस्ट पर और SRF की पोस्ट पर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो केवल वही वीडियो आगे देखें और रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं से अपना थम्सअप करके कमेंट में जा सकें। देखो अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो, बीई बीटेक में भी आपने अगर मैकेनिकल और सिविल ब्रांच में कर रखी है तो ही आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, देखो विदाउट गेट होने वाली है, डिटेल में बताऊंगा, काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है आप सभी लोगों के लिए, वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। तो चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया होने वाला है। और जिन दोस्तों को इसमें एलिजिबल नहीं है वो यार कमेंट बॉक्स में थम्सअप करके जरूर जाना, कमेंट बॉक्स में करके जाना और अपनी ब्रांच मेंशन करके जाना, जिससे कि आगे आने वाले जो रिक्रूटमेंट होंगे आपकी ब्रांच में फोकस किए जा सके। ठीक है दोस्तों, चलो यार अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे ये ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल साइट है उसकी CSIR की। ठीक है, तो जैसे आप इसमें नीचे आओगे तो यहां आपको दिख जाएगा एक दो रिक्रूटमेंट आपके, एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट और सीनियर रिसर्च फेलोशिप। देखो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो यहीं से डायरेक्ट जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको खोल के दिखाता हूं इस एडवर्टीजमेंट को, यहां लिखा हुआ सामने एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करोगे तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। चलो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। देखो यार ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो 2x करके देख लेना अगर आप अपनी सुविधा अनुसार, वैसे मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिक्रूटमेंट है और बहुत लंबी लंबी पोस्ट है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम रिलेवल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता कंपनी कैरियर गैप को लेकर इतना सीरियस क्यों रहती है। अगर आप अपनी पिछली कंपनी में चाहे कितना भी बेहतरीन काम कर रहे हो, अगर आपके कैरियर में एक या दो साल का ब्रेक लग गया तो पिछली बारी सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं निशा गुप्ता जी की, ये हमारी एक वर्किंग सुपर वूमन है जिन्होंने अपना कैरियर रिज्यूम किया 10 साल के गैप के बाद में, और वो भी डायमंड टाउन कॉल जैसी रेपूटेड कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लेके। निशा हमेशा से बहुत क्यूरियस थी, 2011 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा मूवमेंट आया जब उनके बेटे ने जन्म लिया, वो बहुत खुश थी, लेकिन उसका मतलब ये भी था कि उसके लिए उनको टाइम निकालना था, तो उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, उन्हें अपना प्रोफेशनल करियर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, लेकिन वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो उन्होंने अपने घर में ही ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। ये सब देख के उनके घर वालों ने उन्हें मोटिवेट किया एक जॉब लेने के लिए, सपोर्ट तो था बट साथ ही रेज्यूमे एक बहुत बड़ा चीज़ थी जो कि 10 साल का गैप लिखा हुआ था, कंपनियाँ ये देख के उनका एप्लीकेशन पहले से ही रिजेक्ट कर देती थी। निशा को बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी अपना बर्थ प्रूफ करने के लिए। फॉर्चुनेटली यूट्यूब में एक वीडियो में उन्होंने रीलेवल के बारे में सुना, बस फिर क्या था, उन्होंने रीलेवल के लिए अप्लाई किया, मेहनत की, आउटकम आज आप देख ही सकते हो, डायमंड एंड कॉल जैसी एक रेपुटेड कंपनी में बिजनेस एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की पोजीशन पर उनको नौकरी मिली। कुछ दिनों पहले ही री लेवल ने 3 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए, कैटेगरी लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अब आप 16 कैटेगरीज में डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, जाके एक बार चेकआउट जरूर करें, फ्री में टेस्ट देना है। और देखो टॉप परफॉर्मर्स को यहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट भी दिए जाते हैं जैसे कि मैकबुक, वॉचेस, आईफोन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया, जाके एक बार चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि CSIR की साइट पर रिलीज हुआ है, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको लिंक बताया, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से देख लेना। तो देखो यार यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है, यानी कि आपको इंटरव्यू देने जाना है 31 मई को। ठीक है, तो यार बहुत कम दिन बचे हैं, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो और जो इंटरेस्टेड हो JRF की पोस्ट पर, SRF की पोस्ट पर, तो जल्दी से जाके अपना वॉक इन इंटरव्यू देना, सब प्रोसीजर मैं बताऊंगा। देखो मैं यार पहले डिफरेंस बता चुका हूँ आपको कि JRF SRF क्या होता है और इसके बाद में आपकी क्या अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, मैं पहले सब कुछ बता चुका हूँ, तो पहले जाके वीडियो देख लेना जो कि मैंने DRDO की बताई थी आपको। ठीक है, वहां जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा उस JRF वाले की। ठीक है, तो देखो यार आप जैसे नीचे आओगे, अब मैं आपको वेरियस पोस्टेज बताता हूं, सिविल इंजीनियरिंग की है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यानी कि सिविल और मैकेनिकल, मैंने पहले भी बताया आपको। तो देखो डायरेक्ट फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है और कुछ एक्सपीरियंस वालों के लिए भी पोस्ट है, और सैलरी बहुत बेहतरीन होने वाली है, जैसे कि मैं पहले भी बताता हूं हर JRF की पोस्ट में आपको 31,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, एज अ स्टाइपेंड बोल सकते हो। देखो इसमें गेट के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपका गेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि अगर आपने जैसे कि अनरिजर्व्ड की बात करूँ मैकेनिकल में तो 31 मार्क्स आपके आने चाहिए, उसके बाद में अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, इसमें एलिजिबिलिटी क्योंकि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, इस वजह से आपका क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, फ्रेशर कैंडिडेट हो, बहुत बढ़िया बात है आप, और देखो अगर आपके पास में गेट स्कोर भी नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका गेट स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि डिजायरेबल है मतलब कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, नहीं है फिर भी काम चली जाएगा आपके इंटरव्यू के बेसिस पर। ठीक है,
तो जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 5 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियरिंग की, और यहाँ पे इन्होंने 35 साल आपकी एज रखी है अपर एज, तो 35 साल काफ़ी अच्छी एज है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे इसमें। तो ये सिविल की बात रही, और देखो आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑटो कैड वगैरह की, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, केवल डिजायरेबल है, वो एसेंशियल नहीं है। पहले भी मैं बता चुका हूँ डिजायरेबल और एसेंशियल में डिफरेंस। और देखो जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, 2 साल का R&D में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और 35 साल की एज है, तो उनके लिए 7 वैकेंसीज अलग है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मैं मैकेनिकल की दिखा देता हूँ आपको एक। देखो अप्लाई करने से पहले या फिर वोकल इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखो अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है और उसके बाद में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप 50 साल तक हो चुके हो, और तो आप इसमें एलिजिबल हो। 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस HRA मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी आपकी ये भी। और बीटेक ये हो गई सिविल की। अब मैं देखो आपको डायरेक्ट पहले मैकेनिकल की दिखाता हूँ, जिसमें मैकेनिकल एज वेल एज सिविल दोनों एलिजिबल है, ठीक है। तो देखो मैं नीचे ले जाकर दिखाता हूँ आपको, ME M Tech वाले कैंडिडेट हैं, उनको देखो डिजायरेबल में रख दिया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास में ME M Tech हो रखी है, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी एज कम्पेयर टू बीटेक कैंडिडेट, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। और देखो यार, अगर मैं मैकेनिकल की, देखो ये वाली वैकेंसी है मैकेनिकल की, इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल मैकेनिकल में, और नीचे आओगे तो यहाँ पे बीटेक वाली भी मिल जाएंगी आपको सिविल मैकेनिकल, जिसमें एलिजिबल है। देखो BE BTEC सिविल के लिए, और जैसे और नीचे आओगे ME M Tech वगैरह, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल वैकेंसीज तो मैंने ऐड नहीं की, लेकिन काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में 4 वैकेंसीज है, किसी में 7 है, ऐसे करके टोटल वैकेंसीज बहुत है। तो एक बार जरूर से देख लेना, मैंने आपको आपके दिमाग में डाला कि एक रिक्रूटमेंट CSIR की तरफ से आ रहा है। और देखो यार, JRF बहुत ही बेहतरीन जगह, मैंने आपको पहले भी बताया और अब आगे नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब देखो आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा। एक इन्होंने यहाँ पे क्लॉज मेंशन कर रखा है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह दे रखा है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब बेशुमार भीड़ हो जाएगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या करेंगे, आपका हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, या फिर रिटन टेस्ट के बेसिस पर कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी के बेसिस पर किया जाएगा, अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा भीड़ होने वाली है इसमें, तो आप निश्चिंत होकर जाके अप्लाई करना और वॉक इन इंटरव्यू में अप्लाई करना। 31 मई तारीख है, तारीख मत भूल जाना। और कमेंट बॉक्स में देखो मेरे को जरूर बताना कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और कौन जाना चाह रहा है, ठीक है। 11 बजे आपको जाना है, कहाँ जाना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एड्रेस भी दे रखा है, अब आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखो यहाँ पे 23C इमोर रेलवे स्टेशन, मध्य कैलाश टेम्पल कैनाल बस स्टॉप, तो यहाँ पे सब कुछ चेन्नई में आपका होने वाला है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट चेन्नई के आसपास के हों या फिर चेन्नई ट्रैवल करके जा सकते हो, तो जरूर से इसमें अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो नीचे आपका फॉर्म दे रखा है, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में इसको ऑफलाइन भर के वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी अगर आपके मन में शंका आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां जाके भी बताना, मैं आपको जरूर से आपका निवारण करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार ऑथेंटिक और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ, चलो मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत।